क्वेश्चन है कि आपके पास एक पुली है और पुली के साथ आपके पास दो मासेस हैं, ये आपके सामने है 2 और 1 kg। हमने क्लास में ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 kg का मास नीचे जा रहा है, 1 kg का ऊपर जा रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो उसमें लॉज ऑफ मोशन में आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम से भी बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है 2g-t 2a और t-1g1a, वहाँ से टी और ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर ये आपके पास 2 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं हवा में 2 kg की तरफ होगा, इनका सेंटर ऑफ मास 2 kg की तरफ होगा, हवा में होगा, भारी मास की तरफ होगा, ऐसा ही है ना, 2 kg में होगा ना 1 kg में होगा, कहीं बीच में भी नहीं होगा, क्योंकि 2 kg भारी है तो 2 kg की तरफ होगा। अब इमेजिन करो कि 2 kg ने नीचे आना शुरू कर दिया और 1 kg ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, ऊपर की नीचे बोलो, ऊपर की नीचे, नीचे, ऐसा क्यों, 2 kg भारी है, भारी के साथ जाएगा, तो ये हैवियर है और ये लाइट है, तो जब ये नीचे और ये ऊपर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। कितनी एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, ये क्वेश्चन है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि 1 kg और 2 kg की एक्सेलरेशन बताओ, मैंने आपसे पूछा सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बताओ। इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास है हवा में, वो भी तो मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब इस केस में क्या करना है, आप ये फॉर्मूला इसमें लगाएं, ये वाला m1 m2 दो मासेस हैं, और अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक्सेलरेशन बताओ ईच ब्लॉक की, मैंने ये नहीं कहा सेंटर ऑफ मास की, मैंने बोला एक्सेलरेशन बताओ, इंडिविजुअल बताओ, लॉज ऑफ मोशन से बताओ, तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला हमने नोट किया था, m2g-m1g/m1+m2, ऐसे ही करते थे हम। तो मान लो आपने दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकाल ली, आंसर आ गया, पर आपको एक्सेलरेशन किसकी निकालनी है, सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नोट करो, m1a1 vector + m2a2 vector / m1+m2, ये फॉर्मूला हमने किया भी था लास्ट टाइम। अब a की एक्सेलरेशन नीचे और a के ऊपर है, बताता हूँ क्या लिखना है, 2 मिनट वेट करो। तो a की एक्सेलरेशन -a पुट करो, a की एक्सेलरेशन a पुट करो, a कॉमन निकाल लो, तो ये वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट कर लो, पुट कर लिया, ये आंसर आ गया। अपने फॉर्मूला रजिस्टर में इसको एंटर करो, आज के बाद सीधा शॉर्टकट मारेंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया फिर तो ऊपर वाला फॉर्मूला है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया फिर ये फॉर्मूला है m2-m1/m2+m1² g। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या नोट करेंगे, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है m2-m1/m2+m1² g, ये नोट करना है। हाँ, ये पुली के केस में लगता है बस, नहीं बाकी जगह तो ये लगता है, ये तो हर जगह ही लगता है, पर पुली के केस में सीधा देखते ही शॉर्टकट मार देना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सेंटर ऑफ मास इनिशियली किस पे था, एट रेस्ट पे था, और जैसे ही तुमने सिस्टम को रिलीज किया तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, जब सेंटर ऑफ मास नीचे आया तो पूछेगा कि उसने टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप सेंटर ऑफ मास के लिए लगा लेना s = ut + ½ at² और u की वैल्यू 0 है, तो s की वैल्यू क्या आ गई, ½ at² क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो आपसे s पूछेगा, न्यूमेरिकल आएगा, हो सकता है मास की वैल्यू भी दे दे आपको क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को यहाँ पुट करके s जो पूछा होगा निकाल लेना। मेथड सबको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या नोट करना है इसमें।